मेहंदी रिश्ते, पायल रिश्ते और होते हैं गजरे रिश्ते। दिल के अंधेरे मिटा देते हैं, होते हैं बड़े सुनहरे रिश्ते। आसमान से ऊंचे हरदम और सागर से गहरे रिश्ते। शादी होने के बाद कितने ही रिश्ते पीछे छूट गए और कितने सारे नए बन गए, पर आज भी रिश्तों में बसी यादों को मैं संभाल कर रखती हूँ। बर्थडे, एनिवर्सरी, रक्षाबंधन और दीपावली पर हमें कितने सारे गिफ्ट मिलते हैं, कभी पर्स तो कभी चश्मे, कभी घड़ियाँ और कभी कपड़े, कभी चूड़ियाँ। और इन सब चीज़ों को संभाल कर रखने में मदद करते हैं मेरे ये ऑर्गेनाइजर्स, तो आइए देखते हैं। वो कहते हैं कि तुम पर हर रंग भाता है, बस यही सोचकर हर रंग की चूड़ी पर दिल आ जाता है। रंग बिरंगी चूड़ियाँ जो हम सबकी फेवरेट होती है, कुछ चूड़ियाँ जो भाभी ने सकरात पर दी तो कुछ चूड़ियाँ माँ ने उपहार में दी, और ये चूड़ियाँ तो मेरी शादी की है, और कुछ चूड़ियाँ तो शादी के भी पहले की हैं। हर चीज़ को सहेज कर रखना, यही तो हम महिलाओं की खासियत है। मैं भी अपनी चूड़ियों को इस बॉक्स में रखती हूँ, और जब भी खोलती हूँ इसे तो ऐसा लगता है जैसे यादों का पिटारा खोल लिया हो। खुद से ज़्यादा संभाल कर रखती हूँ मोबाइल अपना, क्योंकि सारे रिश्ते अब इसी में कैद है। फ़ोन जो हमें अपनों से जोड़ते हैं, इनके केबल ख़राब ना हो जाएं, इसके लिए मैं इस तरीके का प्रोटेक्टर का यूज़ करती हूँ। ये बहुत ही यूज़फुल है। पल, दिन, मास, वर्ष, दशक, फिर उम्र गुजर जाती है, पर घड़ियां हमेशा रहती है और यादें जिंदा हो जाती हैं। जैसे ये वाली घड़ी मेरी मम्मी ने मुझे शादी में दी थी, और ये घड़ी जब मेरे हस्बैंड बैंगलोर गए थे तब वहाँ से मेरे लिए लाए थे। सबकी अमानतों को और प्यार को बड़े प्यार से इस बॉक्स में सहेज कर रखती हूँ, और इस बेशकीमती खजाने के आगे तो इस बॉक्स की कीमत कुछ भी नहीं है। और आज जब मेरी बेटी बड़ी हो गई है और ये घड़ी पहनती है तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं बचपन में लौट आई हूँ। चश्मा लगाने के दो फायदे हैं, एक तो बंदी खूबसूरत दिखती है और दूसरी मासूम भी। अलग अलग बॉक्स में रखने की जगह मैं सभी चश्मों को इस ऑर्गेनाइजर में रखती हूँ। 10वीं में जब पहली बार चश्मा लगा था वो चश्मा भी आज तक मैंने संभाल के रखा है। इस तरीके के मिरर ग्लास वाले चश्मे जब फैशन में आए थे तो बच्चों को ये ब्लू वाला पसंद आया था और मुझे ये वाला। फिर क्या करते, लेना तो एक ही था, तो बाद में पता चला कि एक के ऊपर एक का ऑफर है, तो इतनी खुशी हुई कि दोनों खरीद डाले। तो आप भी अपने डेडिकेटेड सनग्लासेस को रखने के लिए इस तरीके का ऑर्गेनाइजर परचेज कर सकती हैं। हैप्पीनेस इज़ नॉट इन मनी बट इन शॉपिंग। शॉपिंग करने में कितना मज़ा आता है। हमें पार्टी के लिए अलग, ऑफिस के लिए अलग, डेली के लिए अलग कितने सारे पर्स चाहिए होते हैं, कभी क्लच, कभी हैंडबैग, कभी वॉलेट, कभी टोटे बैग, कभी स्लिंग बैग। तो मैं अपने मोस्ट ऑफ द पर्स इस बॉक्स में रखती हूँ। साइज में बड़ा होने के कारण सभी छोटे बड़े पर्स इसमें आसानी से आ जाते हैं। साथ ही ये ट्रांसपेरेंट और लाइट वेट है। आप अपने बॉक्स में 3-4 सिलिका जेल के पाउच जरूर से डालकर रखिए। इससे मॉइस्चर के कारण आपके पर्स कभी भी खराब नहीं होंगे और सालों साल चलेंगे। पर्स का शेप मेंटेन रहे इसके लिए मैं इसमें जूने कपड़े भर देती हूँ।
और ये सुंदर सा पर्स इस बार मुझे मेरे बच्चों ने गिफ्ट किया। इसके अलावा सभी बड़े साइज के पर्स को मैं साड़ी कवर में रखती हूँ, जो कि आगे से ट्रांसपेरेंट होता है, जिससे मुझे पता चल जाता है कि किसमें कौन सा पर्स रखा है। इसके अलावा और भी सभी तरीके के एक्स्ट्रा पर्सेस को मैं इसी बॉक्स में रखती हूँ। ये धूप बड़ी शरारती है, मेरे कपड़ों से रंग चुरा कर इंद्रधनुष में भर देती है। अपने सभी रंग बिरंगे कपड़ों को मैं किस तरीके से ऑर्गेनाइज करती हूँ, इसके लिए आप मेरा वार्डरोब वाला वीडियो जरूर से देखिए। ये वाली साड़ी मेरी स्पेशल फेवरेट है, क्योंकि इसे मेरी दोस्त ने मेरे लिए पसंद किया था। जहाँ तक कपड़ों की बात है, तो हजारों कपड़े देखने के बाद हम कोई एक कपड़ा पसंद करते हैं, तो ऐसे वैल्यूबल कपड़ों के लिए आप ऑर्गेनाइजर का जरूर से यूज़ कीजिए, जिससे ये सालों साल नए जैसे रहेंगे। कपड़ों के बाद अब बारी आती है हमारे जूते चप्पलों की। कहते हैं कि इंसान की औकात का पता उसकी जूते चप्पल देखकर लगाया जा सकता है। अपने घुटने और पैर की सलामती के लिए हम इन पर हजारों रुपया खर्च करते हैं, पर जगह की कमी होने के कारण इन्हें इस तरीके से एक के ऊपर ठूंस देते हैं, जिससे पॉलिश भी खराब हो जाती है और गंदे जूते घर में दरिद्रता लाते हैं। तो इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, आइए देखते हैं। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र। ये छोटे स्पेस के लिए बेस्ट ऑप्शन है, सभी साइज के लिए परफेक्ट है, साथ ही ड्यूरेबल और इजी टू क्लीन है। ऑर्गेनाइज होम इज एन ऑर्गेनाइज माइंड। शू शेल्फ आर द परफेक्ट सॉल्यूशन टू ऑलवेज कीप योर रूम नीट ऑर्गेनाइज एंड क्लटर फ्री। इस तरह अगर हम अपनी सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो ये चीज़ें सालों साल चलती है और इनमें बसी यादें भी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा अवश्य बताएं। आपके सभी प्रश्नों एवं सुझावों का स्वागत है। शेयर करें, जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।